नहीं देख रहे हैं, जमुई की बेटी हैं, तो जमुई के सारे भाई बंधु लोग सब मेरे साथ। बहनोई से डर नहीं है मतलब? हम तो पहले भी बता चुके हैं कि उनको भोजन भात करा के अच्छे से भेज देंगे। कह रहा कि बहन और बहनोई का यहाँ झगड़ा चल रहा है, तो क्या लग रहा है? जब बहन और बहनोई का झगड़ा होता है तो बहन ही हमेशा जीतती है, बहन से ही बहनोई है, बहनोई का कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन था। ऐसे में जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास ने नामांकन भरा है। बता दें आपको कि समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ अर्चना रविदास का स्वागत किया, तो वही खूब नारे भी लगाए गए। इसी के साथ साथ पत्रकारों से बातचीत करती हुई नजर आई अर्चना रविदास और कहती हुई नजर आ रही है कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, यकीनन जीत हमारी होगी। तो वही आपको बता दें कि अर्चना रविदास के खिलाफ जमुई में चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती होंगे, तो वही अरुण भारती को लेकर भी बयान देती हुई नजर आई, अरुण भारती पर चुटकी लेती हुई नजर आई अर्चना रविदास और कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेहमान का हम लोग स्वागत करके भेजेंगे। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं अर्चना रविदास, पहले आपको वो सुने। सबसे पहले आपके माध्यम से यहाँ की मुंगेर के लोकसभा की जनता को भी बधाई है। मेरा नामांकन जमुई लोकसभा भरने में थोड़ा ये हो गया, और उसका आप लोगों को भी बधाई है, नामांकन दाखिल किए, आप लोग को निमंत्रण दिए थे, आप लोग आए भारी से भारी संख्या में सारे पत्रकार भाई लोग, आप लोग सबको बधाई है, हम लोग बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आप लोग भी सब। क्या प्राथमिकता रहेगी इन, पहले बताइए क्षेत्र के विकास के लिए आप प्राथमिकता हम लोगों का सबसे पहले जो बेसिक मूलभूत सुविधा होती है उस पे बात करेंगे, क्योंकि हवा हवाई बात करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले लोगों को पानी की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, रोड की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत है, ये सब बेसिक चीज हम लोग पहले ध्यान देंगे। अगर हम लोग का हाथ मजबूत करेंगे जनता, हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग इसको। आपका मुद्दा क्या है? चुनौती देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनौती तो कुछ नहीं देख रहे हैं, जमुई की बेटी हैं, तो जमुई के सारे भाई बंधु लोग सब मेरे साथ। बहनोई से डर नहीं है मतलब? हम तो पहले भी बता चुके हैं कि उनको भोजन भात करा के अच्छे से भेज देंगे। कह रहा कि बहन और बहनोई का यहाँ झगड़ा चल रहा है, तो क्या लग रहा है? जब बहन और बहनोई का झगड़ा होता है तो बहन ही हमेशा जीतती है, बहन से ही बहनोई है, बहनोई का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, युवाओं के लिए विशेष एजेंडा क्या होगा आपका इस बार का जमुई के लिए? युवाओं के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार नौकरी पे आप लोग जान ही रहे हैं, जो 17 साल में नहीं हुआ था वो 17 महीना में कर दिखाए, और इतने दिनों से कहीं ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, तो यही हम लोग का मुद्दा है। चिराग जी तो अपना बहनों के यहाँ खड़ा कर दिया, वो भी युवा है। देखिए युवा है लेकिन वो बाहर से आए हैं, हम घर की बेटी हैं, वो आएंगे चले जाएंगे, विदेश से आए हैं, सुनने में आया है आप ही लोग पत्रकार भाई लोग से पता चला है कि विदेश से आए हैं, तो जो देश में रहते थे उनसे तो मिलना मुश्किल हो रहा था लोगों का, तो विदेश में जो रहते हैं उनसे कैसे ये स्थापित कर पाएंगे कॉन्टेक्ट? पिछले बार राजद खाता नहीं खोल पाया था इस बिहार लोकसभा चुनाव में, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है, कहाँ तक आप लोग टिक पाएंगे एनडीए के सामने? ये समय बताएगा, और हम लोग बहुत जोर शोर से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन से अपने क्षेत्र में लगे हैं हम लोग, तो सारी जनता हमारे साथ है, जनता का प्यार, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, मेरे भाई लोग सभी मेरे साथ बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, इसलिए इस बार हम लोग ये सीट जीते। जमुई लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास ने नामांकन भरा, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करती हुई नजर आई, तो वही चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती पर चुटकी लेती हुई नजर आई और कहती हुई नजर आई कि हम लोग स्वागत कर भेजेंगे मेहमान का। बताते चले आपको कि जमुई में चिराग पासवान के बहनोई खिलाफ खड़े नजर आने वाले हैं अर्चना रविदास के, तो वही अर्चना रविदास जीत का ऐलान पहले ही करती हुई नजर आई और कहती हुई नजर आई कि हम यहाँ की बेटी हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ की जनता से मुझे प्यार और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से क्या कुछ बात करती हुई नजर आई सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।